इमोजीज का देश। इमोजीज के देश में आपका स्वागत है। एक अजीबोगरीब देश जहां इमोजीज रहते हैं। ये है स्माइल और आपको तो पता ही होगा ये हमेशा मुस्कुराता है। आज मैं बहुत उदास हूँ। मैं समझ सकता हूँ। मुझे नहीं लगता तुम समझ सकते हो। तुम मुझे और ज्यादा उदास कर रहे हो। और ये है, आज का दिन इतना सुहावना क्यों है? एंग्री, आज तो तुम खूबसूरत लग रहे हो। थैंक यू। और इन दोनों का परिचय कराने की तो कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये दोनों हैं लाफ्टर ब्रदर्स। एक है स्ट्रेट फेस लाफ्टर और दूसरा है टिल्टेड लाफ्टर। आज मैं बहुत उदास हूँ। हमें बताओ तुम क्यों परेशान हो? तुम मुझे और उदास कर रहे हो। और फिर हमारे पास है ये जनाब, पार्टी इमोजी। आज मैं बहुत उदास हूँ। चलो पार्टी करते हैं। और स्लीपी इमोजी, मुझे नींद आ रही है। चलो पार्टी करें। ये है सिक इमोजी। मैं बहुत बीमार हूँ। चलो पार्टी करें। तो आपने देखा, इमोजीज जैसे उनके नाम है वैसे ही वो है, और जैसे हालात है वैसे ही वो खुश दिल है। पर आप पूछेंगे इमोजीज करते क्या है, चलो देखते हैं। मैं बहुत उदास हूँ। चलो पार्टी करें। क्या आज शुक्रवार है? इसीलिए पार्टी बहुत व्यस्त है। जब सोमवार आएगा तो मैं और तुम व्यस्त होंगे। चलो। चलो पार्टी करें। नहीं 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 नहीं, शुक्रवार नहीं। अरे नहीं, शुक्रवार नहीं। तुम और ज्यादा फिक्र क्यों कर रहे हो? मतलब एक तरह से तुम अपने नाम के हिसाब से सही ही कर रहे हो। बकवास बंद करो बेजुबान कहीं के। ये सही है, अंकल जरूर आते ही होंगे। वो अजीब तरह से डांस करते हैं। क्या हाल है बच्चों? आज शुक्रवार है। वैसे कुछ इमोजीज को तो परिचय की जरूरत ही नहीं है। शुक्रवार का दिन है तो रानी दौरे के लिए आती ही होंगी, तो अंकल को तो आना ही था। आज शुक्रवार है इमोजीज, चलो डांस करें। आज शुक्रवार की रात है। रानी को सब पसंद करते थे, खास करके उनके खास दोस्त। अंकल तो रानी पे जान छिड़कते थे। वैसे ये बात किसी से छुपी नहीं थी। चलो नाचते हैं। और इन्हें रोकना भी मुश्किल है। हाँ, यही उनका काम था, इंसानों के लिए आसान तरीकों में एक विचार या एक एहसास जगाना। सब सही चल रहा था, पर तभी एक सॉफ्टवेयर अपडेट। क्या? एक सॉफ्टवेयर अपडेट? बिल्कुल जंगल की आग की तरह इमोजी देश में अफरा तफरी मच गई। सभी इमोजीज यहाँ वहाँ भाग रहे थे। इंसानों के लिए भले सॉफ्टवेयर अपडेट के कोई मायने ना हो, पर इमोजीज के लिए इसका मतलब है बदलाव। वो सब इस बदलाव से डर रहे थे। एक सॉफ्टवेयर अपडेट होने से बहुत सी चीजें हो सकती हैं, जैसे कि जब एक सॉफ्टवेयर अपडेट होता है कभी कभी इमोजीज के हुलिये थोड़े बहुत बदल जाते हैं, कभी कभी पूरी तरह से नए इमोजीज आ जाते हैं, और पुराने इमोजीज हमेशा के लिए निकाल दिए जाते हैं। इसलिए वो सॉफ्टवेयर अपडेट से डरते थे, पर उन्हें पता नहीं था कि बात यहीं तक खत्म नहीं हुई थी। दरअसल कुछ और भी बुरा होने वाला था, क्योंकि ये एक सॉफ्टवेयर अपडेट की तरह लग रहा था, पर ये कुछ और था। मैंने ऐसा अपडेट पहले कभी नहीं देखा है, कुछ तो गड़बड़ है।
चलो पार्टी करे। ये पार्टी करने की कोई वजह ही नहीं है। अचानक आसमान लाल हो गया और अलार्म बजने लगा। देखो दूसरे इमोजीज आसमान से नीचे गिर रहे हैं। और आसमान फट रहा है, वो चीजें क्या है? इस मामले में अंकल को ज्यादा तजुर्बा होने की वजह से उन्होंने समझ लिया था कि असल में क्या हो रहा है। ओह, ये कोई सॉफ्टवेयर अपडेट बिल्कुल नहीं है। शायद उस इंसान ने एक अनऑथराइज्ड लिंक पर क्लिक कर दिया हो। ये एक वायरस है। सभी इमोजीज ने आसमान से एक ट्रोजन हॉर्स को उतरते हुए देखा जो असल में एक वायरस था। हे भगवान, ये तो एक ट्रोजन वायरस है। हे भगवान, मेरे फोन को ये क्या हो गया? यहाँ इमोजी देश में डर का माहौल बन गया। सब मरने वाले हैं। पर उस ट्रोजन को कोई फर्क नहीं पड़ा। जो उसे रोकने की कोशिश कर रहा था उसे रास्ते से हटाते हुए वो सीधा रानी के महल की ओर बढ़ा। नहीं, मेरी रानी से दूर रहो। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था जमीन से लाल कैक्टस बाहर आ रहे थे। वहीं पर रुक जाओ। रुक जाओ वरना अंत में। पर वो ट्रोजन हॉर्स के मुकाबले कुछ नहीं थे जो सीधे महल की तरफ बढ़ रहा था और महल को अंदर से तोड़ रहा था। ये क्या हो रहा है? मेरा फोन। उसी वक्त बड़े बड़े लाल कैक्टस इमोजी देश के जमीन से उगने लगे और महल की दीवारों को तोड़ने लगे। और ऐसे रानी को अपने ही महल से निकाल दिया गया। रानी साहिबा, क्या आप ठीक हैं? मुझे माफ करना, मैं तुम लोगों को सुरक्षित नहीं रख सकी। घबराओ मत रानी साहिबा, हम साथ मिलकर उस पर हमला करेंगे। स्ट्रेट फेस, क्या तुम ठीक हो? और उसी पल एक एक करके सभी इमोजीज लाल होने लगे। उनके चेहरे से भाव उड़ रहे थे। क्या, ये क्या हो रहा है? रानी ने देखा कि सभी इमोजीज में बदलाव आ गया है और वो उनकी तरफ मुड़ गए हैं। वो रानी की तरफ गुस्से से देख रहे थे और उनकी ओर बढ़ने लगे। अरे ये क्या, नहीं। अरे लगता है तुम्हारे फोन में वायरस आ गया है। क्या वायरस? क्या तुमने कोई स्पैम ईमेल या फिर अनजान यूआरएल तो नहीं खोला है ना? याद कीजिए, मैंने एक लिंक खोला था जो मेरे दोस्त ने भेजा था। अब क्या करें? इसने आपके ऑपरेटिंग सिस्टम पर हमला कर दिया है। ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, मैं तुम्हारी रानी हूँ। नहीं, हमारी कोई महारानी नहीं है, हमारा एक ही रक्षक है, वो है महान ट्रोजन। इसे खत्म कर दो। और जैसे ही वो सब रानी को पकड़ने वाले थे, आसमान एक बार फिर से खुल गया। सब लोगों ने ऊपर देखा। क्या हो रहा है? मैंने इसमें एक एंटीवायरस डाला है। कौन सा एंटीवायरस? द टाइगर एंटीवायरस। सभी इमोजीज और ट्रोजन हॉर्स ने देखा कि किस तरह एक शेर आसमान से नीचे उतरा और जोर से दहाड़ा। हमला! इमोजीज शेर की तरफ पड़ने लगे जिसने अपने पंजे के एक वार से ही जमीन को हिला दिया। लाल कैक्टस फिर से जमीन के अंदर चले गए और सारे इमोजीज हवा में उड़ने लगे और उनमें रानी भी थी। तुम इसकी कीमत चुकाओगे घुसपैठ। घुसपैठ तो यहाँ तुम हो, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। ट्रोजन हॉर्स शेर की तरफ गुस्से से दौड़ने लगा। शेर ने भी दहाड़ लगाई और उसकी तरफ दौड़ा। इस बीच जो इमोजीज हवा में उड़ रहे थे उनके रंग बदलने लगे। वो सब अपने असली रूप में वापस आ रहे थे। शेर इतना शक्तिशाली था कि ट्रोजन हॉर्स उसके आगे बिल्कुल नहीं टिक पाया। उसने अपने पंजे से ट्रोजन पर वार किया और वो वायरस सीधे जमीन पर गिर गया। और ऐसा होते ही सभी इमोजीज वापस पहले जैसे हो गए। सभी तैरते हुए इमोजीज जमीन पर गिर गए और लाल आसमान फिर से नीला हो गया। ये लो, हो गया। टाइगर को फोन से मत निकालना, आपका फोन सुरक्षित रहेगा। ओह, थैंक यू सो मच, आपने मेरा फोन बचा लिया। आपका भी। तुम कौन हो? महारानी, मैं यहाँ आपके और आपके लोगों की हिफाजत करने आया हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो मेरा फर्ज था। लो, महल आपका हो गया। चलो पार्टी करे। मेरा फोन ठीक हो गया। चलो पार्टी करे, पार्टी इमोजी। और इस
तरह इमोजी देश में सब कुछ पहले जैसा हो गया। इमोजीज फिर से वही करने लगे जिसमें वो माहिर थे, इंसानों के लिए आसान तरीकों में एक विचार या एक एहसास जगाना। टाइगर एंटीवायरस ने इमोजी देश को सुरक्षित रखा और सब खुश थे सिवाय सैड के। मैं उदास हूँ। और एंग्री? मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। और सिक के? मैं बीमार। चलो पार्टी करें। और जो भी इस इमोजी ने कहा